अच्छा देखिए इसमें सबसे पहली चीज तो सरफेस टेंशन को समझने से पहले हमें समझना है इंटर मोलिकुलर फोर्सेस के बारे में किसके बारे में इंटर मोलिकुलर फोर्स के बारे में और हर चीज में लिखूंगा नहीं आपको ध्यान से सुनना है ठीक है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग के बेसिस पे आपको नोट्स बनाने रहेंगे So before we understand the phenomena of surface tension, it is necessary to have understanding about the intermole intermolecular forces which operate to keep the liquid molecules together. It has been found that force between two molecules separated by a distance ten to minus ten meter. मतलब की दो मोलिक्यूलेशन जो है उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स की रेंज है टेन एज टू माइनस इलेवन न्यूटन ठीक है एंड वाइल दुलेट की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स

अप टू विचलिक्यूल मोलिक्यूल तो इसे हम कहेंगे रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या कहेंगे रेंज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छा अब यहाँ पर जो मोलिकुलर फोर्सेस है उसमें दो टाइप के मोलिकुलर फोर्सेस हैं एक है कोहेशन और एक है एडह समझ में आ रहा है इस चीज को समझो उससे पहले आप एक चीज समझिए सपोज हमने क्या किया कि हमने एक ग्लास रॉड ली ठीक है और मान लो यहां पर हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर हमने मर्क्यूरी को फिल किया हुआ है और यहां पर हमने ग्लास रॉड ली ये ग्लास रॉड है सपोज तो जब आप ग्लास रॉड को ये मर्क्यूरी में से डिप करके बाहर निकालेंगे ठीक है तो ये जो ग्लास रोड है ये इसके साथ मर्क्यूरी स्टिक नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि मर्क्यूरी के बीच में लगने वाला जो इंटर फोर्स है इट इज ग्रेटर देन द मर्क्यूरी मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लास मतलब हम ये कह सकते हैं कि आ, इंटर एटमिक फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मोलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इट इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास रॉड मॉलिक्यूल्स बात समझ में ठीक है इसीलिए क्या होता है कि ग्लास रोड और मर्कुरी के बीच में मतलब वो जो होता है वो स्टिक नहीं होता है उसके साथ में ठीक है जबकि आप आ, हम अगर ऐसा करें कि ग्लास रोड को वाटर के अंदर डिप करें तो क्या होता है कि वाटर जो है वो पानी की वाटर जो है वो रोड के साथ क्या होती है स्टिक हो जाती है राइट तो यहां से एक चीज हमें क्लियर पता चल जाती है कि वाटर जो है वो ग्लास रॉड के साथ आट, वो स्टिक हो रही है ठीक है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्सेस जो लग रहा है इट इज लेस ठीक है इट इज लेस इसीलिए क्या हो रहा है कि वाटर और ग्लास रॉड के बीच में मॉलिक्यूल uh, फोर्सेस लग रहे हैं और वो उसके साथ क्या हो रहा है स्टिक हो जाता है बोलो यहाँ से यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को yes, yes, तो आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा कि सपोज यहाँ पर मैंने पानी भरा हुआ और इस पानी के अंदर हमने ग्लास रॉड डिप कर दिया ये तो क्या होता है कि ग्लास रॉड वाटर स्टिक्स टू द वाटर मॉलिक्यूल स्टिक विथ ग्लास रॉड राइट ऐसा हम कह सकते हैं समझ में आया ठीक है यस सर अच्छा अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो फोर्सेस की तो एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं कोहेसन फोर्स क्या है कोहेसन फोर्स तो ये क्या होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कोहेसन तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगेगा किसके बीच में लग रहा होगा द फोर्स बिटवीन द फोर्स सेम सब ठीक है उसे हम क्या कहेंगे को फोर्स ऑफ को इन सॉलिड्स लेसर इन लिक्विड एंड लिस्ट इन द गैसेस ये जो कॉलेशन फोर्सेस है इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स Lesser in liquids and least in gases. Will clear Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब इसके एक एग्जाम्पल समझो कि जैसे मान लो हमने क्या किया हमने uh, हमने ले लिया ठीक है के हमने दो ब्लॉक्स लिए और उन दोनों ब्लॉक्स को हमने क्या कर दिया उनकी जो सरफेस है उनको सफिशेंटली प्लेन कर दिया और उसके बाद हमने उसे स्टिक कर दिया एक दूसरे से तो इफ यू ट्राई टू पुल अ लार्ज फोर्स विल बी राइट

of force require for the separation ठीक है यह तक समझ में आया यस सर पक्का कोई डाउट है इसमें किसी को नो सर ओके ठीक है चलो अब आगे देखो एडहेसन दूसरा क्या है एडहेसन एडहेसिव फोर्स जिसे कहते हैं ठीक है आपने देखा होगा कि जैसे फैविकॉल के जो डब्बा आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है एडहेसिव देखा है किसी ने Yes. नहीं देखा होगा है देखा है yes. hmm. तो एडेसन में क्या होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस ये किसके बीच में लगता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ The different different substances इसे क्या कहते हैं एडहेसन ठीक है अब इसके एग्जाम्पल के लिए समझो एडहेसन आर द स्टिकिंग ऑफ ग्लू टू द वुड पेंट टू द वॉल स्टार्च टू दिंगर्स चौक पार्टिकल्स टू द ब्लैक बोर्ड वॉटर टू इट्स कंटेनर यह सारे किसके एग्जाम्पल है एडहैसन के एग्जाम्पल है क्लियर है बेटा यस सर राइट तो ये हो गया कोसन के बारे में अच्छा अब सरफेस टेंशन क्या होता है वो समझो सरफेस Tension. Okay. So uh, we can say surface tension is that property of a liquid by virtue of which it behaves like an elastic stretched membrane with a tendency to contract. सो एज टू ऑक्युपाई अम सरफेस एरिया रिपीट कर रहा हूं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्चु ऑफ विच It behaves like an elastic stretched and elastic stretched membrane. With a tension, with a tendency to contract so as to occupy minimum surface area. Clear a यस यस सर सर ठीक है ओके सो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइन ए बी है सपोज ये जो अंदर है इसे हमने लाइन ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो है एक लाइन ए है ये पॉइंट बी है ठीक है सो इमेजिन अ लाइन ए बी ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एज शोन इन द फिगर in order to have minimum surface area the two portions of the liquid surface on either side of the line ab have tendency to draw away from each other imagine that surface film is cut along the line ab then the film on the either side of the line will contract this shows that there are forces acting on either side of the line which

देखिए जैसे मान लो आपने यूपिन होती है हमारे पास यूपिन पता है सभी को यूपिन yes, कुछ इस तरीके की इस तरीके की कुछ पिन होती है यूपिन राइट यस सर तो अगर मान लो उस पिन को आपने इस क्वार्टर की सरफेस पे डाला हुआ है ठीक है तो सरफेस टेंशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड द सरफेस Tension of a liquid can be measured as the force per unit length.

which acts which acts perpendicular to the line on its either side at every point

और इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा लगेगा कि नहीं तो यहाँ पर ये यह जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइंस लिक्विड सरफेस हमने कंसिडर किया है इमेजनरी लाइन हम जिस पे ड्रॉ कर रहे हैं ये देखो ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ जो मैंने ए बी लाइन बनाई है ना यहाँ पर ये ठीक है जो दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है ठीक है समझ में आ रहा है बेटा सभी को Yes, sir. Yes, sir. तो सरफेस टेंशन क्या होता है क्लियर है सभी को और उसे कैसा मेजर किया जाता है वो भी क्लियर है इसको हम सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कई जगह टी से एस से रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह टी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और बेसिकली हम लोग सरफेस टेंशन की यूनिट अगर हम बात करें यूनिट तो यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स हो गया राइट right? क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स बोले यहां तक किसी को कोई डाउट है नो no, सर ठीक है अब आप एक चीज समझो आपने कभी देखा अपने घर के अंदर जैसे मान लो आपका किचन है किचन में आपने पानी का एक ड्रॉप डाला सपोज यहाँ पे ड्रॉपर लिया ठीक है और उस ड्रॉपर की हेल्प से आपने एक ड्रॉप डाला पानी का ऐसे ठीक है और ये सरफेस पे गिरा जब ये सरफेस पे गिरता है तो ये क्या होता है ये थोड़ा सा ऐसे फैलता है Yes no? उसके बाद क्या होता है आपने देखा होगा कि ये कोशिश करता है मिनिमम सरफेस एरिया रोकने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने का काम करता है नोटिस किया आपने कभी ये चीज यस सर ठीक है ये क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन और यहां पर हम एक स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट टू हैव द मिनिमम एरिया क्या कहेंगे टेंस टू हैव द मिनिमम एरिया एंड देयर बाय इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कैसे बिहेव करता है इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बोलो क्लियर है यहां तक बेटा ठीक yes, yes, है ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये आप रूटीन लाइफ में अपने घर में भी देख सकते होंगे इसलिए मैंने वही एग्जाम्पल दिया जिससे कि आपको इसकी क्लैरिटी अच्छे से आए समझ में ठीक है फिर है सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी क्या होता है भाई सरफेस एनर्जी तो हम कहेंगे As we have already studied that the free surface of a liquid always has a tendency to contract and possess minimum surface area. Yes or no? Yes or no? Right? कोई भी जैसे हमने जो free surface of liquid होती है वो हमेशा क्या क्रिति contract करने कोशिश करती हैं it it requires मतलब वो क्या कोशिश करती हैं it always tries to Uh, acquire minimum surface area right and if it is required to increase the surface area of the liquid agar man lo aapko surface area liquid ka uh, increase karna hai then definitely you have to do certain amount of work and this work done is stored in the surface film of the liquid as its potential energy samajh bhai to work done is stored Work done is stored in the surface film of the liquid in the surface film of the liquid. as its potential energy बोलो आई बात समझ में यस यस सर सर और यहां पर हम कहेंगे कि द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी क्या कहेंगे सरफेस एनर्जी के लिए हम अगर फॉर्मूला लिखें, सो व्हाट वी कैन राइट वी कैन राइट सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस सरफेस एरिया बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया बोलो क्लियर है यहां तक सरफेस एनर्जी यहां तक तो कोई डाउट है नो no, सर तो ये हो गया सरफेस एनर्जी ठीक है अच्छा अब वॉट इज द रिलेशन बिटवीन दिस सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है तो रिलेशन निकालते हैं देखो रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस एरिया ठीक है ये क्या रिलेशन है वो देखो सो so, यहाँ पर एक डायग्राम से मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा पहले देखिए सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड द सरफेस टेंशन तो व्हाट वी हैव डन वी हैव कंसीडर अ रेक्ट अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ए बी सी डी मेड ऑफ अ वायर जैसे एक वायर ले लो और एक वायर से इस तरीके का आप एक फ्रेम बना लो ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि वो मार्केट में वो बेचने के लिए बैठते हैं जिससे कि आप बबल्स बनाते हो तो वायर का ही वो इस तरीके का एक रिंग बना होता है देखा है आपने yes, sir. तो वैसा हमने यहां पर वायर से हमने इस तरीके का एक शेप बना लिया फ्रेम टाइप ठीक है नाउ डिप द वायर फ्रेम इन द सोप सोलूशन अब हमने इसे क्या किया अब क्या होगा कि यहाँ पर जो फिल्म है वो फॉर्म फॉर्म होगी ओवर द फ्रेम सबसे पहले एबीसीडी हमने एक फ्रेम ली सच पीस एल एम कैन जस्ट स्लाइड जो है हमने स्लाइड करने के लिए रखा हुआ है फिर डीप दिस वायर इन सोप सोल्यूशन तो यहाँ पर एक फिल्म इसके ऊपर फ्रेम मतलब ये जो आप देख रहे हो ये लाइट ब्लू शेड में तो वो सोप सोल्यूशन है ठीक है ड्यू टू द सर्फेस टेंशन द फिल्म अंक ड्यू टू द सर्फेस टेंशन द फिल्म फिल्म समझ रहे हो कौन सी फिल्म मतलब कौन सी फिल्म जो सोप सोल्यूशन की वजह से जो फिल्म उसके ऊपर लग रही है आपने देखा होगा कि एक लेयर बन जाती है देखा है यस यस सर सर या तो वैसी एक लेयर बन जाएगी यहां पर ठीक है ना द फिल्म विल हैव अ टेंडेंसी टू श्रिंक एंड the in लिखा है इनवर्ट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा फोर्स लग रहा होगा क्यों क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि जो सर्फेस टेंशन है वो क्या होता है यहाँ पर कि मिनिमम सर्फेस एरिया करता है तो ये सर्फेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा एल तो एम जो है उसके ऊपर रिप्रेजेंट भी किया है नाउ द क्रॉस कैन बी हेल्ड इन दिस पोजिशन एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस पीस एल एम ऑल अलॉन्ग इट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन फिल्म इफ टी इज द फोर्स ड्यू टू दर्फेस टेंशन पर कहें टी क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम ये कहेंगे कि टेंशन जो है वो फोर्स है ड्यू टू द सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ देन फोर्स क्या हो जाएगा फोर्स क्या हो जाएगा टेंशन इनटू टू टाइम्स ऑफ एल क्यू टू टाइम्स लिया बिकॉज देयर आर टू लेयर्स मतलब यहां पर एल लेंथ जो है वो कितनी बार यूज हो रही है दो बार यूज हो रही है एल लेंथ जो है वो कितनी बार यूज हो रही है दो बार यूज हो रही है राइट right? सर नहीं आया समझ में ये एल लेंथ वाला हाँ मैं मैं बता हूँ तो, मैं बताता तो, हूँ मुझे तो पता है मुझे लगा ही था कि नहीं समझ में आया होगा देखो कैपिटल टी इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ पहली चीज समझ में आई यस सर ठीक है अच्छा अब यहां पर हमने एल की जगह 2L क्यों लिया है 2L बेटा इसलिए हम ले रहे हैं देखो इसलिए लिखते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू देखो टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ लेकिन यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है तो फोर्स लग रहा है टेंशन इंटू तो 2L क्यों लिया है टूएल्व बेटा इसलिए लिया है क्योंकि आप समझो कि आपने जो वायर बनाया है उस वायर में ये जो क्रॉस सेक्शन लिया है ये जो क्रॉस सेक्शन लिया, लिया है ये वाली ये येलो कलर का जो है इसमें उसको जो फ्री सरफेस मिलेगी वो कितनी मिलेगी दो मिलेगी एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली बात आ रही है समझ में कुछ ये आपने जो येलो कलर की लाइन बनाई है इसके अंदर दो सरफेस है एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली दोनों तरफ सरफेस बनेगी ना जैसे आपका हाथ है हाथ लेफ्ट हैंड है सपोज आपका ठीक है अगर मैं इस आपके लेफ्ट हैंड को एक वायर बना दू क्या बना दू? एक वायर तो आप समझेंगे कि पाम एक सरफेस है और पीछे वाला जो पार्ट है जहां पे नेल्स होते हैं वो भी एक पार्ट है मतलब वो भी एक लेयर है मतलब जब आप अपने हाथ को सोप सोल्यूशन में डीप करोगे तो आपका पाम के ऊपर भी एक लेयर बनेगी और आपके जो ये नेल्स वाला पार्ट है उसके ऊपर भी एक लेयर बनेगी यस और नो सर तो yes, लेंथ कितनी yes, हुई एक तरफ पार्म की एल और दूसरी तरफ पीछे वाली एल तो टोटल लेंथ कितनी हुई टू एल हुई कि नहीं हुई yes, sir. Yes, sir. तो yes, से यहाँ पर टू एल लेंथ यूज की गई है इसलिए हमने यहाँ पर टू एल लिया है बिकॉज इट टू फ्री सरफेसेस दो ऐसी फ्री सरफेसेस मिल रही हैं आई बात समझ में यस yes, सर हाँ. तो यहां पे स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ एल एम क्रॉस सेक्शन जो हमने लिया क्रॉस पीस ठीक है एंड टूएल हमने क्यों लिया है वो मैंने आपको बता दिया बिकॉज द फिल्म हैज गॉट टूएल बिकॉज फिल्म हैज गॉट टू फ्री सर्फिस ठीक है? है, है, मान लो ये जो LM है, इस LM को हमने कितना move करवाया है? तो X move करवाया. तो आप देखो नीचे एक्स लिखा है फिर मैंने नई पोजिशन ली है एल डैश एम डैश ठीक है तो हमने जब उसे मूव किया तो उस बुक को मूव करने के लिए डेफिनेटली वी वर्क यस और नो यस और नो तो वर्क डन क्या होता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया है, तो एक्स लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए फोर्स कितना अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है टी इनटू 12 और ये एक्स तो है ही बोल भाई बात समझ में यस सर यस सर तो हम यहाँ पे यह कहेंगे कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क टी इंटू टू इंटू एक्स तो अमाउंट ऑफ द सरफेस एनर्जी की जो डेफिनेशन है उसपे से हम क्या लिखेंगे कि सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आया तो टी इंटू टूवेल्व इंटू एक्स ये ये आया, right? T into 12 into X. और नीचे क्या है 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 तो 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 कितना कितना किया किया हमने हमने हुआ आउट right? तो हो जाएगा तो सरफेस एनर्जी क्या आ गई आपकी टी सो so, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द सर्फेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एनर्जी समझ में आया तो टी जो yes है सरफेस एनर्जी हो गई बोलो यहां तक क्लियर है तो हम यहां कहेंगे द सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इज न्यूमेरिकली

ठीक पक्का कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे नो सर ओके वेट प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ अड लिक्विड सरफेस प्रेशर डिफरेंस across a curved liquid surface ठीक है तो देखिए सबसे पहले सबसे पहला है when the surface is concave सरफेस इज कौन के तो उसके डायग्राम में पहले बना लेते हैं इस तरीके का है सरफेस इफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्केव दैन ड्यू टू सरफेस टेंशन द मॉलिक्यूल एम विल एक्सपीरियंस अ नेट आउटवर्ड फोर्स सपोज यहां पर हमने मॉलिक्यूल लिया एम मॉलिक्यूल एम विल एक्सपीरियंस अ नेट आउटवर्ड फोर्स तो नेट आउटवर्ड फोर्स यहां लग रहा है ये हो गया आपका आउटवर्ड फोर्स ठीक है नॉर्मल टू द सरफेस नेट आउटवर्ड फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल विल रिमेन इन इक्विब्रियम द लिक्विड मॉलिक्यूल विल रिमेन इन क्विलिब्रियम इफ द प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड मीन्स ऑन द साइड ऑफ द लिक्विड वेपर इज मॉ फिर से रिपीट कर रहा हूं नेट आउटवर्ड फोर्स कहां लग रहा है नॉर्मल टू द सर्फेस वो आर से रिप्रेजेंट किया है मैंने राइट right? और ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इट विल रिमेन इन इक्वि इक्विलिब्रियम

मोलिक्यूल एम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कब रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आती है समझो आप खुद ही समझो जब दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स कैसा होगा इक्वल इक्वल, राइट तो बस वही है सो इफ द प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड Of the liquid that means. Vapor is more, that means on the side of the liquid vapor is more. ठीक है दूसरा है वेन द सर्फेस इज कॉन्वेक्स वेन द सर्फेस देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नहीं आएंगे एग्जाम में इसका हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग ये हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं इसका आगे चल के यूज आएगा ठीक है जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं सरफेस कैसी है तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का मतलब कैसा होगा देखो इस तरीके का कि भाई यहाँ पर तो लिक्विड आ गया इस तरीके से सपोज यहाँ पर अगर मैं बनाऊ दिख रहा है सभी को लाइट ब्लू कलर है इसलिए शायद इस तरीके दिख रहा है सर। ठीक है और फिर बाद में ये इस तरीके का शेप लेगा होना था ये है कॉन्वेक्स इस पे मॉलिक्यूल कहाँ है तो ये मॉलिक्यूल है रिजल्टेंट इधर लग रहा होगा टेंशन कहाँ लगेगा तो टेंशन यहाँ लग रहा होगा इस तरीके से ये टेंशन लग रहा है सरफेस टेंशन कहते हैं इसे ठीक है और ये लग रहा है इस तरीके से

कब इफ द प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड मोर दैट मीन्स वी कैन से ऑन द साइड ऑफ बेटा ऑन द साइड ऑफ लिक्विड राइट क्लियर है, यस yes, सर। और यहां पर कहा होना चाहिए इधर होना चाहिए ज्यादा है ना और इस पर कहा ज्यादा होना चाहिए यहां पे होना चाहिए ठीक है वेन द सर्फेस इज प्लेन एक कॉन्वेक्स हो गया कॉनकेव के हो गया अगर मान लो प्लेन सर्फेस है तो थर्ड कंडीशन है वेन द सर्फेस इज प्लेन उस कंडीशन में क्या करेंगे तो देखो अगर सरफेस प्लेन है और ये रोलिक्यूल टेंशन टी टेंशन टी ठीक है सो व्हेन द सरफेस इज प्लेन so in this case we can say when the free surface of a liquid is plain, the molecule m is pulled equally in all direction and the liquid molecule experience no net inward or outward force okay? so here there is no net inward or outward force एक्टिंग ठीक है क्लियर so, mm -hmm. no yes, okay. है यहां तक सो देर इज नो एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द प्लेन लिक्विड सर्फेस ड्यू टू द सर्फेस टेंशन क्लियर है यहां तक यस सर ठीक है